अतुल, बिपुल और चारू ये तीनों पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 1:1:1। इनमें जो बिपुल है उसको गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट जो है वो मिनिमम ₹2 लाख होगा और बिपुल को उसके अलावा सैलरी भी मिलेगी ₹10,000 per month। और फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वो हुआ है ₹6,60,000। अब आपसे कहा गया है बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि यहां पर जो पार्टनर को गारंटी दी गई है यानी बिपुल को जो गारंटी दी गई है वो गारंटी बाय द फर्म है, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में कि गारंटी दी किसने है। तो ऐसे में यही माना जाता है कि गारंटी फर्म के द्वारा दी गई है बिपुल को। ठीक है बच्चों, तो जो फर्म का नेट प्रॉफिट हुआ है ₹6,60,000 उसमें से पहले आप बिपुल की सैलरी माइनस कर दीजिएगा जो कि निकल कर आएगी ₹1,20,000 और जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से सबसे पहले बिपुल का हिस्सा निकालिए प्रॉफिट का कितना आ रहा है। अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट 2 लाख से ज़्यादा आता है, ठीक है बच्चों, फिर तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसका प्रॉफिट 2 लाख से कम निकल कर आता है तो फर्म इसे 2 लाख देगी ही देगी। ठीक है बच्चों, और ऐसे में फिर जो फर्म का बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको अतुल और चारू में बांट दिया जाएगा उनके आपस के रेशियो में जो कि इक्वल है। अब जो मैंने बोला है बच्चों, आइए उसको आप देख भी लीजिए। सबसे पहले निकालिए बिपुल का सैलरी जो मैंने आपको बताया था बच्चों, याद रखिएगा ₹10,000 per month है तो ×12 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा ₹1,20,000। अब फर्म का जो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाना है वो निकल कर आएगा ₹6,60,000। जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था उसमें से 1,20,000 सैलरी के हटा दीजिए, ये आएगा ₹5,40,000। अब इस 5,40,000 को सभी में बांटने से पहले आप बिपुल का हिस्सा निकालिए प्रॉफिट का, वो कितना निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, और देखिए कि क्या वो प्रॉफिट बिपुल के हिस्से का जो प्रॉफिट निकल कर आएगा क्या गारंटेड अमाउंट से ज्यादा है, बराबर है या कम है। तो बिपुल का जो प्रॉफिट निकल कर आया वो ₹5,40,000 × 1/3 क्योंकि इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो इससे निकल कर आएगा बच्चों ₹1,80,000। अब बिपुल को जो गारंटी दी गई है वो तो दी गई है ₹2 लाख की, बट उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आया है वो केवल ₹1,80,000 है और ये गारंटी फर्म के द्वारा दी गई है। तो फर्म बिपुल को जितना उसको मिनिमम गारंटी दी गई थी उतना ही प्रॉफिट देगी। ठीक है बच्चों, तो बिपुल का जो मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है वो ₹2 लाख है और उसका एक्चुअल प्रॉफिट उसके मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से कम है तो बिपुल विल गेट ₹2 लाख। ठीक है बच्चों, इनमें से जो ज्यादा है वो बिपुल को मिल जाएगा, तो बिपुल विल गेट ₹2 लाख एज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब फर्म का बचा हुआ प्रॉफिट जो होगा उसे हम बांट देंगे बाकी दोनों पार्टनर्स में उनके आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि है इक्वल। ठीक है बच्चों, यानी 1:1, तो आइए वो भी कर लेते हैं। तो बच्चों फर्म का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है यानी बिपुल को उसका प्रॉफिट देने के बाद जो फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट आया वो है ₹5,40,000 - ₹2 लाख जितना बिपुल को दिया गया।
तो ये निकल कर आया रुपीज 3,40,000। अब इस प्रॉफिट को अतुल और चारू में बांट दीजिए, तो अतुल का प्रॉफिट आएगा बच्चों रुपीज 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, यानी कि रुपीज 1,70,000। और इतना ही प्रॉफिट चारू का भी आएगा रुपीज 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, यानी कि रुपीज 1,70,000। अब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया है बच्चों, सारा काम कर ही लिया है, तो बस अब फाइनली जो अकाउंट बनाना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आइए उसको ही बना लेते हैं। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाएगा उसमें आप क्रेडिट साइड में तो लिखिएगा जो भी नेट प्रॉफिट अर्न किया था फर्म ने, ठीक है बच्चों, और कितना अर्न किया था बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, हम कौन से ईयर का बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यहां लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट जितना अर्न किया था 6,60,000, पहले बिपुल की सैलरी दीजिएगा जो कि थी रुपीज 1,20,000, और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिएगा। अब इसमें जो प्रॉफिट लिखेंगे आप अतुल, बिपुल और चारू का जो फाइनल प्रॉफिट निकल कर आया था वो लिखिएगा, यहां लिखिए 1,70,000 जो अतुल को मिला था फाइनली, यहां लिखिए 2,00,000 बिपुल का जो गारंटेड प्रॉफिट था उसे अल्टीमेटली उतना ही दिया गया था, और चारू को भी हमने 1,70,000 ही दिया था, ये सब जोड़ के 540 ही आना है। अब जो टोटल है वो दोनों तरफ लिख दीजिए 6,60,000, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों।